हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा आज। सिंपल इंटरेस्ट बताने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए या पूछे जा सकने वाले प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न बनाने से पहले आप लोगों को फार्मूला बताता हूँ। चलिए देखते हैं फार्मूला पर आधारित है ना। जैसे साधारण ब्याज, से हम क्या लिखते हैं, साधारण ब्याज। इससे पहले जैसे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पर आधारित सवाल इसी प्रकार के सूत्र उपयोग पर बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज, मतलब SI, सिंपल इंटरेस्ट शॉर्टकट में। जैसे कि मूलधन, साधारण ब्याज का फार्मूला हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। या इसको मूलधन को क्या लिख सकते हैं, मूलधन, ये तो हमारा एक फार्मूला हो गया है ना। अब मूलधन को P से दर्शाते हैं, मूलधन। दर, को R से दर्शाते हैं और समय को T से दर्शाया जाता है। अब ब्याज की दर, जैसे कि ब्याज की दर निकालेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा, ब्याज के दर का फार्मूला हो जाएगा ब्याज की दर। अगर क्वेश्चन में अगर ब्याज की दर निकालने को बोलेगा तो ब्याज की दर का फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित समय। इसे और क्या लिख सकते हैं, ब्याज का तो SI यहाँ पर लिखे ना, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट लिख सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटे मूलधन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ बताए हैं शॉर्टकट में P, समय को T से लिख सकते हैं। तो एक शॉर्टकट ऐसे भी बना सकते हैं, ये वाला, ये एक ऐसे भी बना सकते हैं, ये से ये वाला भी बना सकते हैं, ये भी, लेकिन याद रखने के लिए इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं समय के लिए, जैसे कि इसका समय निकालेंगे यहाँ से साधारण ब्याज से, अगर साधारण ब्याज पूछेगा तो समय निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालते हैं, जैसे इसी को बताते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज इसको कैसे लिख सकते हैं, साधारण ब्याज को मूलधन को क्या लिख सकते हैं P, दर को क्या लिख सकते हैं R, समय को T बटे 100, या ऐसे भी लिख सकते हैं PRTY 100, साधारण ब्याज। अब दर यहीं से निकालेंगे, दर समय। अब दर निकालने के लिए क्या करेंगे, दर का हो जाएगा फार्मूला साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज को सामने में लिख देंगे तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज, है ना, गुणित 100 बटे। अब यहाँ जब दर को इधर ले गए तो यहाँ आ जाएगा मूलधन, इधर आ जाएगा मूलधन को ऐसा लिख सकते हैं, और समय को कैसे लिख सकते हैं जब दर उधर गया तो T, या शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट गुणित 100 बट इसको PT लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा दर का फार्मूला, हो गया। अब समय के लिए निकालते हैं, समय के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, जब समय को इधर रख लिए हैं तो दर आ जाएगा नीचे में, और P यहाँ से, जैसे कि मूलधन गुणित क्या आ जाएगा, दर। इसको कैसे लिखेंगे, साधारण ब्याज का हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट गुणित 100 भाई, मूलधन को P लिख सकते हैं, दर का R हो गया। ये हो गया एक फार्मूला साधारण ब्याज के लिए। अब मूलधन निकालते हैं, अगर मूलधन पूछे तब मूलधन दिया गया है साधारण ब्याज के लिए तो हो गया, साधारण ब्याज के लिए मूलधन पूछा जाए तब मूलधन के लिए हो जाएगा मिश्र धन गुणित, ये मिश्र धन है, मिश्र धन गुणित 100 बटे 100 प्लस
आर इन टू टी। अब आर क्या है यहाँ, ये हो गया हमारा मूलधन का फार्मूला। अब यहाँ देखते हैं आर को क्या लिख सकते हैं हम, दर। टी को क्या लिख सकते हैं, समय। और पी को क्या लिख सकते हैं, मूलधन। और ए को क्या लिख सकते हैं, मिश्र धन। अब मिश्र धन निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे मिश्र धन। ये हमारा मिश्र धन है, तो मिश्र धन के लिए निकालेंगे। जैसे साधारण ब्याज में अगर मिश्र धन पूछा जाए, अब मिश्र धन पूछा जाए तो क्या करेंगे, ये वाला जब मिश्र धन पूछ रहे तो मूलधन यहीं आ जाएगा, मूलधन। यहाँ देखो जैसे मूलधन के लिए पूछा गया तो मिश्र धन गुणित सौ किए थे, अब मिश्र धन पूछ रहे तो मिश्र धन को सामने में ले आएंगे मिश्र धन। अब इसको उल्टा कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, मिश्र धन गुणित सौ प्लस ये क्या बोले आर, इसको दर मान लेते हैं, गुणित टी क्या हो गया, समय बटा। अब जैसे ऊपर का किए थे यहाँ मूलधन आ जाएगा, मूलधन अब यहाँ हंड्रेड हो जाएगा, या इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, और मूलधन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए गुणित सौ बटे ए गुणित सौ, या इसको शॉर्टकट में और क्या लिख सकते हैं, चलो देखते हैं इसको। ऐसे मूलधन हमेशा ए रहता है, ए ये मिश्र धन है, मिश्र धन के बाद मूलधन पी हो जाएगा, ये हो गया पी सौ का सौ प्लस दर को आर माने थे इंटू समय को टी माने थे, इधर सौ ऐसे। एक बार और देखते हैं इसको, मिश्र धन को डायरेक्ट हम ए मान लेते हैं, ए बराबर हो जाएगा पी, उसके बाद है सौ प्लस आर इंटू टी बटे हंड्रेड, ये हो गया हमारा मिश्र धन। ऐसे भी बना सकते हैं। देखते हैं सवाल पर आधारित पार्ट थ्री या पार्ट वन देखते हैं, इधर से पार्ट टू देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा या तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और अन्य पर देखते हैं नोट। अब पार्ट टू देखते हैं, साधारण ब्याज पर है ना, क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए सिंपल इंटरेस्ट ऑल एग्जाम सेट क्वेश्चन, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टाइप से, जैसे कुछ बेसिक टाइप से बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया 500 रुपये की धन राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का उधार दिया गया है। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, क्या करना है हमें, सीधा क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, क्या निकालना है हमें, साधारण ब्याज निकालना है। 500 रुपये की धन राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, तो क्या निकालना है हमें, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करते हैं साधारण ब्याज, अभी पढ़े हैं साधारण ब्याज का फार्मूला हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, इसको मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे सौ। इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा मूलधन पी गुणित दर हो गया आर इंटू समय टी बटे हंड्रेड। सॉल्व करते हैं, इसमें मान रखते हैं तो मूलधन हमारे पास है, देखते हैं पी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पी का मान मूलधन कितना है 500 रुपये, आर का मान है दर, आर का मान है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। उसके बाद 3 वर्ष समय दिया गया है, 3 वर्ष यहाँ मार रखते हैं, इसमें सिंपल इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा पी का मान है 500 गुणित दर कितना है हमारे पास आर 10%,
गुणित समय 3/100। तो ये 2 0 कट गया, ये 2 0 कट गया, 5 × 10 × 3 बराबर यहाँ जो गए 10 30 30, 5 15 150 रुपये। तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना बचा है, 150 रुपये साधारण ब्याज।